नमस्कार मित्रों, अत्यारे हूँ वराछा जोन एना वाहन डेपो पर आव्यो छु। अने आजे सवार थी घणा वाहन डेपो पर राउंड मार्या छे। त्यां हाल में जे सूरत महानगरपालिका नी कंडम गाड़ीओ छे, जे नॉन यूज गाड़ीओ छे, एनी हालत शू छे ए बतावा मागु छु। कारण के घणो भंगार आमाथी वेचाई जतो होय छे, कां बारोबार सगे वगे थई जतो होय छे। सूरत महानगरपालिकाना अधिकारीओने हुं कहेवा मागु छु के तात्कालिक आवो भंगार छे एनो निकाल थवो जोईए। कारण के नहीं थशे तो जता दिवसे एनी वेल्युएशन पण नहीं आवशे अने कोई लेशे पण नहीं। मात्र ने मात्र थोड़ा भंगार में आई जशे। हुं बतावी रह्यो छुं आपने वराछा जोननो वाहन डेपो। आ छे वराछा जोननो वाहन डेपो। आप जोई सको छो अत्यारे वाहन डेपो वराछा बतावी रह्यो छुं आपने, जहाँ अहींया वाहन डेपो गेरेज बधुं छे। अहींया गाड़ीओ आखा जोननी तेमज बीजी अन्य गाड़ीओ अहींया रिपेरिंग थवा माटे आवती होय छे। ते वर्कशॉप भी कहेवाय छे अने अने वाहन डेपोनी बाजूमां वर्कशॉप छे, त्यां हुं अत्यारे आव्यो छुं। वर्कशॉपमां भी जोईए आपणे आ वर्कशॉपनी गाड़ी छे एवी ज रीते केटली भंगार गाड़ी छे ए हुं बतावा मांगुं छुं, जे नॉन यूज छे, जेनो यूज ज नथी ए हुं तमने बतावा मांगु छुं। सूरत महानगरपालिका द्वारा आनो तात्कालिक निकाल थवो जोईए। आप जोई शको छो आ नॉन यूज गाड़ी जे हालमां पड़ी छे, जे आनो यूज ज नथी घणा समयथी। आप जोई शको छो एनी पाछळ भी आ नॉन यूज गाड़ी छे। वस्तु शुं छे आनी अंदरथी धीमे धीमे सामान सगे वगे थतो होय छे, वेचाई जतो होय छे। आक्षेप एटला माटे करवामां आवे छे ज्यारे गाड़ीओ मूकवामां आवे छे त्यारे चालू कंडीशन जेवी ज होय छे, परंतु धीमे धीमे એમાંથી તમામ વસ્તુઓ નીકળી જતી હોય છે એ આપણે બધા જ જાણીએ છીએ। બિનવારસી ગાડી જે પડી હોય એની હું પોઝિશન હોય એવી જ પોઝિશન અત્યારે હું આપને બતાવી રહ્યો છું। વર્કશોપ છે એની અંદર હું ગાડી બતાવી રહી છું તમને। આ પાણી બી આ રીતનું ઘણા સમયથી ભરેલું હશે। જો આપણી ઘરે ટાંકીની આજુબાજુમાં પાણી ભર્યું હોય તો આપણને દંડ કરવામાં આવે છે, પરંતુ અહીંયા આની જાળવણી બિલકુલ નથી। આપ જોઈ શકો છો હું આપણને આપણે ભંગાર ગાડીઓ જે છે, જે નોન યુઝ ગાડીઓ છે એ બતાવી રહ્યો છું। આપ જોઈ શકો છો આ બધી નોન યુઝ ગાડીઓ છે, જે વપરાતી જ નથી, જે રિપેરિંગ બી થાય એવી નથી। આ નોન યુઝ ગાડીઓ બધી છે એ આપને બતાવી રહ્યો છું। આનો સુરત મહાનગરપાલિકાએ તમામ ઝોનમાંથી રિપોર્ટ મંગાવવા જોઈએ જેટલી નોન યુઝ ગાડીઓ છે એ ગાડીનો વેલ્યુએશન ઘટાડી અને આને જે બી વહીવટ કરવો એ કરી નાખવો જોઈએ। કારણ કે અહીંયા પડી રહેશે તો આની અંદર કંઈ વધવાનું જ નથી। આ બધી જ નોન યુઝ ગાડીઓ છે। આ તો થોડો મસાલો છે, હજી ઘણા વર્કશોપમાં કે ઝોનના ગોડાઉનમાં જઈશું તો ત્યાં આ રીતની ઘણી ગાડીઓ નોન યુઝ સુરત મહાનગરપાલિકાની પડી છે। કરોડો રૂપિયાનો ભંગાર જે બારોબાર સગે વગે થઈ જતો હોય છે। આ જોશો આ જીપ પણ અત્યારે નોન યુઝ હાલતમાં પડી છે। આ ધીમે ધીમે આની અંદરથી બધા સ્પેરપાર્ટો નીકળતા જાય। અને બારોબાર એનો વહીવટ થતો જાય। આપ જોઈ શકો છો આ નોન યુઝ ગાડીઓ। કમિશનર શ્રીને વિનંતી કરું છું, જે તે જવાબદાર ખાતાવાળાને વિનંતી કરું છું કે આનું ટેન્ડરિંગ બહાર પડવું જોઈએ, આનો સર્વે થવો જોઈએ, કેટલી ગાડીઓ છે, કેટલો ભંગાર આપણી પાસે પડ્યો છે, જેથી કરીને યોગ્ય સમયે જો આનું વેચાણ થઈ જાય તો આનું જે પણ આવવાનું આવી જાય, આનો નિર્ણય તાત્કાલિક લેવો જોઈએ એવું મારું માનવું છે। આપ જોઈ શકો છો આ નોન યુઝ ગાડીઓ બધી। જે બિલકુલ યુઝ નથી અને ભંગાર હાલતમાં પડી છે આવો તો ઘણો ભંગાર આપ જોઈ શકો છો। આ બી ભંગાર છે
बारोबार वहीवट थी जो है तो आपने खबर कई रीते पड़ से आप जी सको घो एवं भंगार है कोई पूछवाड़ो नहीं अँ वहीवटो थी जता है तो खबर भी पड़े एवं पोजिशन नहीं आप जी सको करोड़ों रूपया आनी पाचड़ खर्चो करो हो ने हालत आज आप जी सको भंगार नहीं योग्य समय जो आनो वहीवट थी जाए तो सूरत महानगरपालिका ने आवक पण थाय लाखों रूपया नो भंगार हाल में पड़ो छे धीमे धीमे आ भंगार ओछो थतो जाए आप जोई सको छो कोई आनो हिसाब लेवावाळो छे नहीं बारोबार रोज थोड़ू थोड़ू वेचातु जाए तो कोई पूछवावाळो पण नथी आप जोई सको छो आ वर्कशॉप छे जेसीबी नो અહીંયા એટલા માટે લાવ્યો છું તમને બતાવવા માટે લાવ્યો છું કે કેટલી વસ્તુ ભંગાર હાલતમાં પડી છે આ બી બધી જ ગાડી નોન યુઝ પડી છે આનો જે પણ વહીવટ કરવો હોય સુરત મહાનગરપાલિકાએ કરી નાખવો જોઈએ જેથી કરીને અંદરોઅંદર કોઈ વેચી નહીં નાખે આપ જોઈ શકો છો ભંગાર લાખો રૂપિયાનો ભંગાર पड़ो छे अहींया कोई पूछवाळो नथी जेने जे वेचवू होय ए वेची सके छे जेने जे जोतू होय ए लई जई सके छे वर्कशॉप नी हालत जो रस्ता नी भी करोड़ों रूपया नो भंगार बारोबार वेचाई जतो तो खबर पड़े एवी पोजिशन नथी चालवा माटे हुं रस्तो गोतुं छुं जो मळी जाए तो आगळ पेली गाड़ीओ पड़ी छे ए बी बतावा मांगु छुं धीमे धीमे रस्तो गोतुं छुं क्यांथी चालवू आप जोई सको छो आ कंडम गाड़ी बारोबार आमांथी सामानो पण वेचाई जाए एंजीन नुं जे आ खुल्लू छे भाग एमांथी बी कंईक ने कंईक जरूर पड़े काढ़ी ने बारोबार आना वहीवटो थई जता होय आ बोनट सेना माटे खुल्लू छे आप जोई शको छो आ बोनट बी खुल्लू छे कंडम गाड़ीओ समये जो आने वेची नाखवामां आवे तो आना जे कई रूपया उपजवाना होय ए सारा एवा उपजे ने महानगरपालिकानी तिजोरीने नुकसान ओछू थाय आप जोई सको छो आ बी कंडम हालत में पड़ू छे आ बी कंडम हालत में पड़ू छे पण बोनट बधाना खुल्ला छे वस्तुओ बधी धीमे धीमे अहींयाथी गायब थती एवुं लागे छे जोई सको छो आप बारोबार वस्तुओ पछी आना जीरो जीरो पैसा आवे आना पैसा शुं आवे भंगारना भावे वजनना भावे पैसा आवे सूरत महानगरपालिका जो समय आनो वेचाण करी नाखे का हराजी करी नाखे तो सारा एवा पैसा उपजे हुं मानुं छुं परंतु समय कोई अधिकारी ने पण नथी कमिश्नर ने पण पूछवानो आनो समय नथी कि आपणे सूरत मां तमाम जोनो मां भंगार केटलो पड्यो छे जूनी गाड़ीओ केटली पड़ी छे नॉन यूज गाड़ीओ ए बी खरेखर पूछवुं जोईए पण क्यांक ने क्यांक एवुं लागे छे कि कोई पाहे समय नथी आ इंजीन बी पड्युं छे बारोबार वेचाई जाए भंगार मा आप जोई सको छो भंगारी भंगार बीजी भी नॉन यूज गाड़ी हूं तुमने बताऊ छु
खरेखर कोई ने कहीं पड़ी नहीं, जवाबदार अधिकारी क्यारे अंदर राउंड नहीं मरता। आपे जोयु मैं तमने बतायु अत्यारे के केटलो कंडम सामान पड़ो छे, कोई पूछवा वालू नहीं। जो समय आबी कंडम गाड़ी छे बारोबार जो समय वेचाई जाए तो एना पैसा भी आवशे। आबी कंडम में छे नॉन यूज गाड़ी छे, अत्यारे सारी थोड़ी सारी कंडीशन में लागे छे, परंतु जते दिवसे जो आमनम पड़ी रहे तो आनी अंदर थी भी भंगार बद्दो वेचाई जशे। आबी टैंकर छे बाग खातानु, ये भी नॉन यूज से आप जोई सको छो। तमने वो लागत है साची माहिती छे तो कमेंट अने शेर आप जरूर विनंती छे शेर करवा माटे। आ भी जोई सको छो कंडम छे बंद छे, आ गाड़ी भी कंडम में चाली गई छे, नॉन यूज गाड़ी छे। जे लोग आने नॉन यूज डिक्लेर करता हसे ए लोग रिपोर्ट करता हसे के नहीं ये खबर नहीं पड़ती। आप जोई सको छो नॉन यूज बधु भंगार। आ भी अहीं भंगार पड़ो छे, गमे त्यारे बारोबार वेचाई जाए तो खबर नहीं पड़ती। एक जेसीबी भंगार हालत में पड़ू छे, एनो सामान भी घणो भंगार हालत में पड़ो छे। आप जोई सको छो आ भंगार बारोबार वेचाई जशे तो कोई ने खबर भी नहीं पड़े। समय जो आने वेची नाखवामां आवे तो सूरत महानगरपालिका ने जे भी रकम मळवानी होय तिजोरी में ये रकम मळे। आप जोई सको छो आखी भंगार शुं हालत छे। जो आ बारोबार वेचाई जशे तो कोई ने खबर नहीं पड़े। बीजी एक तमने वातनी नवाई लागशे, सूरत महानगरपालिकाए नवा जेसीबी खरीदा छे ते भी अहींया पड्या छे, परंतु जोन ने फाळवामां नथी आव्या। 1 2 3 4 5 6 8 16 जेसीबी नवा छे, हुं तमने ए भी बतावी रह्यो छुं, परंतु जोन ने जे फाळवा जोईए लोक उपयोगी थवा जोईए ते अत्यार सुधी थवामां आव्या नथी। लगभग एक महीना करता उपर समय थई गयो, आ रीते पाणी भरेलू छे एनी अंदर नवा जेसीबीओ पड्या छे। आप जोई शको छो पाणी भर्युं छे। करोड़ों रूपया आ जेसीबी लेवामां भी लाई गया हशे, परंतु हालत पाणीनी अंदर आ जेसीबीओ पड़ा छे, टायर भी हड़ी जशे। आप जोई सको छो कम्प्लीट नवा जेसीबीओ ते तमाम जोन ने फाळवाना छे, पण ए फाळवता पहेला ज अहींया महीने बे महीने छ महीने निकाल आवशे त्यारे फाळवशे। आप जोई सको छो नवे नवा जेसीबीओ अत्यार हालमां खरीदेला पड़ा छे। एक वाहन लेवुं होय ने लोकोने तो फीण आवी जाय। जेसीबी छे एसएमसी सूरत महानगरपालिका, आप जोई सको छो 16 થી 17 जेसीबी नवा पड़ा छे, एमां भी नीचे पाणी भरेलू छे। जेसीबी नो सामान नवा जेसीबीओ आज गंदगी में अहीं वर्करो काम करे छे वर्कशॉप में, एमना आरोग्यनी पण चिंता सूरत महानगरपालिका ने नथी। आप जोई सको छो तमाम नवा जेसीबीओ छे जोन ने क्यारे फाळवशे। एक महीना करता ऊपर समय थी बे महीना जेवो समय थवा एवो महानगरपालिका सद्धर छे एम कही शकाय नहीं, कारण के 1500 करोड़ रूपया माइनस छे अत्यारे सूरत महानगरपालिकानी तिजोरी। कोईने भी आरटीआई थी माहिती मेळवी होय तो मेळवी सको छो। आजे सूरत में करोड़ों रूपियाना काम ग्रांट ने लीधे अटवाया छे, एक पण रूपियानी ग्रांट जे राज्य सरकार आपवाना हता ए हजु सुधी मळी नथी। सूरत में लाइट पाणी रोड गटरना तमाम कामो अत्यारे उभा रही गया छे, कारण के करोड़ों रूपियानी ग्रांट जे राज्य सरकार तरफथी मळवानी हती ए मळी नथी। मात्र वातो करे छे अमे आपीशुं पण आपता नथी। आ करोड़ों रूपियाना जेसीबी मशीन खरीदेला छे, तमाम जोन ने जे फाळवाना छे, अधिकारीओ पासे टाइम नथी। आप जोई सको छो कम्प्लीट नवा जेसीबी, साथे साथे ग्राउंडनी आ ट्रेक्टर भी नॉन यूज पड़ू है जे कंडम हालत में है।
ચાલતું ને અને ગ્રાઉન્ડની ગંદકી બી આપ જોઈ લો. અહીંયા વર્કરો કઈ રીતે કામ કરે આટલી બધી ગંદકીમાં. સુરત મહાનગરપાલિકાના પોતાના વર્કરોની જવાબદારી મહાનગરપાલિકાની હોય છે, પરંતુ એ લોકો જ્યાં કામ કરે છે ત્યાં જ આ હાલત છે. એમના આરોગ્યની ચિંતા બી મહાનગરપાલિકાને હોવી જોઈએ. આ બધા કંડમ હાલતમાં જ છે, આપ જોઈ શકો છો હાલત. આ જ વસ્તુ આપણા ઘરની પાસે હોય તો આપણને દંડ કરવામાં આવે છે. આની અંદર મચ્છર બી એટલા બધા છે કે આ લોકોના આરોગ્યની બી ચિંતા છે. જે મહાનગરપાલિકાના કર્મચારીઓ છે વર્કશોપના, આપ જોઈ શકો છો હાલત. આ વર્કશોપ છે સુરત મહાનગરપાલિકાનું, અધિકારીની ઓફિસ છે, એમની પાસેની બી હાલત આપ જોઈ શકો છો. આપણે અત્યારે જે બતાવવામાં આવ્યું એ વરાછા ઝોન એનું વર્કશોપ છે. ત્યાં તમામ ગાડીઓ રિપેરિંગ થવા માટે પણ આવે છે અને કંડમ ગાડીઓ પણ અહીંયા પડી હોય છે, જે નોન યુઝ ગાડીઓ કહી શકાય છે. એ ગાડીઓ બી તમને બતાવી, અહીંયાની હાલત બી બતાવી, અહીંયાના લોકોના જે વર્કરો છે એમના આરોગ્યની ચિંતા બી સુરત મહાનગરપાલિકાએ હોવી જોઈએ. અને આ ગ્રાઉન્ડની અંદર જે ગંદકી છે તાત્કાલિક ગંદકી બી દૂર કરવામાં આવે. અને જવાબદાર અધિકારીઓને કહેવા માંગુ છું કે સુરત શહેરમાં જેટલા બી વર્કશોપ છે, ડેપાઓ છે, તમામ જગ્યાએથી આ કંડમ ગાડીઓ છે એ તાત્કાલિક વેચવામાં આવે, જેથી કરીને આ ગોડાઉનોમાં જગ્યા બી થાય અને તમામ ઝોનમાં જે વાહન ડેપો છે એમાં બી જગ્યા થાય. ફરીવાર પાછા મળીશું. દિનેશ કાછડિયા, આમ આદમી પાર્ટી, સુરત શહેર. મોબાઈલ નંબર છે 98 248 22 000. જય જય ગરવી ગુજરાત.